हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में आप सभी का सादर अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे और हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि M1 और M2 दो मास हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होगा G(m1m2)/r2। ये कल हमने पढ़ा था। आज हमें इस पर बेस्ड, इस पर आधारित न्यूमेरिकल करने हैं स्टूडेंट। पर कल हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी थी कि अगर कुछ फोर्स, दो तीन या चार फोर्स जो इक्वल हैं और सिमेट्री के अंदर वो अप्लाई हो रहे हैं, जैसे तीन फोर्स इस प्रकार से अप्लाई हो रहे हैं, ये जो एंगल है वो 120 है, यानी कि एंगल जो है वो 360 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 120 है, तो एफ नेट जो है वो 0 होगा। ये तीनों फोर्स इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट, तब एफ नेट 0 होगा। इसी प्रकार अगर थीटा की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 4 है यानी कि 90 डिग्री है, ये चारों फोर्स इक्वल है, तब एफ नेट जो है यहां भी 0 होगा। और इस प्रकार से हमने देखा था कि अगर थीटा की जो वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 180 है, ये दोनों फोर्स एफ हैं, ये एंगल 180 है, तो यहां भी एफ नेट जो है वो 0 होगा। तो ये जो अपने पास कुछ तरीके हैं उनसे हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न हम करते हैं कि तीन मास हैं, तीनों इक्वल हैं स्टूडेंट, स्मॉल एम द्रव्यमान तीन है, इसको नाम दिया 1, 2 एंड 3, और 1 एंड 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो a है, 2 एंड 3 के बीच की डिस्टेंस है जो है वो a है। अपना प्रश्न ये है कि 1, 2 एंड 3 तीनों कंडीशन में जो मास रखे हैं, द्रव्यमान रखे हैं, उन पर फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले हम इस मास की बात करते हैं जो कंडीशन 1 पे रखा है। देखिए, इस द्रव्यमान पर फोर्स कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। इसने जो फोर्स लगाया कंडीशन 2 वाले ने, उसकी डायरेक्शन ये होगी, अट्रैक्शन होगा इसके द्वारा, इसका नाम दिया मैंने F12। F12 का मीनिंग क्या है, 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स, और इसने 3 नंबर वाले ने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसका नाम दिया मैंने F13, यानी कि 3 के द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स। देखिए, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है स्टूडेंट, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, इसलिए F1 जो है, 1 नंबर पर जो फोर्स है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन इनकी सेम है। अब 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स, यानी कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स निकालना है G(m)/a², क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। इसके द्वारा जो अप्लाई फोर्स है वो हम निकालते हैं G(mm)/2a². समझ गए ना, क्योंकि इसके द्वारा जब फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस a प्लस a यानी 2a हो जाएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा G(mm)/gm²/a² + gm²/4a² समझ गए स्टूडेंट। ये हो गया 5/4 gm²/a² ये लीजिए। 1 नंबर पर जो मास है उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 5/4 gm²/a². अब हम कंडीशन 2 पर जो फोर्स है, कंडीशन 2 पर जो मास रखा है उस पर फोर्स निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, इस द्रव्यमान पर फोर्स निकालना है, तो इस द्रव्यमान पर फोर्स लगाएगा कौन, ये वाला द्रव्यमान और ये वाला, ये दोनों द्रव्यमान इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये, नाम होगा इसका F21 यानी 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल। इसी प्रकार इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स, ये डायरेक्शन होगी, नाम होगा F23
तीन के द्वारा दो पर लगाया गया फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी और इसकी यहां से डिस्टेंस सेम है, दोनों द्रव्यमान सेम है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। परंतु यहां पर इनकी डायरेक्शन देखो स्टूडेंट, ये कंडीशन बन रही है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो तो सेम है, परंतु दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए F2 की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स इसके और इसके द्वारा मिलकर कितना हो जाएगा? जीरो। अब हम तीन नंबर पर यानी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा? इस पर फोर्स ये वाला द्रव्यमान लगाएगा और ये वाला। वन और टू पर जो द्रव्यमान है वो इस पर फोर्स लगाएंगे। इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, नाम होगा इसका F3 1। एक के द्वारा तीन पर लगाया गया बल और दो के द्वारा तीन पर लगाया गया बल, इसकी डायरेक्शन ये होगी F3 2। दो के द्वारा तीन पर लगाया गया फोर्स। देखिए स्टूडेंट, F1 जो था, F12 + F13, डायरेक्शन ये थी दोनों की, तो अपना रिजल्ट ये आया। अब थ्री पर जो फोर्स लगेगा उन दोनों की डायरेक्शन ये है, तो अपना रिजल्ट तो यही होगा, परंतु डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए F3 को हम लिख सकते हैं F31 + F32। साथ में यहां लगा दिया मैंने माइनस। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि F1 के ये F3 जो है वो अपोजिट है, तो अपना ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? -5/4 gm² / a² ये लीजिए स्टूडेंट। इस प्रकार से M1, M2 और M3 पर हम फोर्स अप्लाई जो हो रहा है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी प्रश्न हम हल कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हम ये प्रश्न करते हैं कि एक अपने पास समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल है, मान लिया प्रत्येक साइड को मैंने स्मॉल ए माना, इसके जो वर्टिसेज हैं इन पर स्मॉल एम द्रव्यमान रखे हैं स्टूडेंट। अब यहां पर तीन अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं स्टूडेंट, कि ये कोई पॉइंट है ए, इसको मैंने नाम दिया 1, 2 एंड 3। 1 एंड 2 का जो मिड पॉइंट है वो ए है, ए पर कोई द्रव्यमान है, ए पर एम द्रव्यमान रख दिया, उस पर कितना बल लगेगा? इस कैपिटल ए पर, पॉइंट ए पर मैंने स्मॉल एम द्रव्यमान रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स ज्ञात करना है। ये इसका केंद्र है, इस ट्रायंगल का जो केंद्र है वो ओ है, तो ओ पर एम द्रव्यमान, उस पर कितना बल लगेगा? और एक दो या तीन किसी एक द्रव्यमान पर बल कितना लगेगा? ये तीन तरीके के प्रश्न यहां बनते हैं स्टूडेंट। तो हम बारी बारी से इन तीनों के हल ज्ञात करेंगे। पहला अपना प्रश्न है कि ए पर अगर मैं कोई द्रव्यमान रखता हूं स्मॉल एम, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? देखिए स्टूडेंट, इस ए पर यहां स्मॉल एम द्रव्यमान रखा है, तो उस पर फोर्स लगाएगा कौन? उस पर एक दो और तीन, ये तीनों द्रव्यमान फोर्स लगाएंगे। एक ने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये होगी स्टूडेंट, इसका नाम है FA1। वन के द्वारा ए पर फोर्स, वन के द्वारा ए पर फोर्स, और ये कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? ये होगा gm/a/2² क्योंकि ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितनी होगी? a/2 होगी। इसी प्रकार FA2 यानी कि दो के द्वारा ए पर लगाया गया फोर्स, ये होगा gm/a/2² पर इसकी जो डायरेक्शन है वो FA1 के क्या होगी? अपोजिट होगी। इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा FA2, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो FA1 के इक्वल होगा, परंतु डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, इसलिए मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं? माइनस का चिन्ह।
समझ गए ना मेरी बात, क्योंकि एफ ए वन और एफ ए टू की डायरेक्शन अपोजिट है। अब थ्री ने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये होगी स्टूडेंट, इसका नाम है एफ ए थ्री। इस फोर्स को निकालना है स्टूडेंट, तो ये जो डिस्टेंस है वो चाहिए हमें। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं यहां ये ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वन था, ये ए था और ये थ्री था, ये ए बाई टू है, ये ए है, ये एंगल 90 है। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली साइड वो अपने पास आ जाएगी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। तो ए बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाई फोर। समझ गए स्टूडेंट, ये एक समकोण त्रिभुज बना, ये कर्ण होगा, इसको आधार माना, इसको लंब माना, तो लंब स्केयर बराबर कर्ण स्केयर माइनस आधार स्केयर। तो ए बी का स्केयर बराबर ये हो गया 3/4 ए स्केयर। तो ए बी कितना आ गया स्टूडेंट, रूट 3/2 एंड ए। ये लीजिए, ये जो साइड है अपने पास ए से लेकर यहां तक की वो होगी रूट 3/2 ए। तो एफ ए थ्री यानी तीन के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, ये होगा जी एम एम अपोन रूट 3/2 ए का स्केयर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, ए से तीन की ओर। इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, ए से तीन की ओर। तो ए पर नेट फोर्स एफ ए, ए पर नेट फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, एफ ए वन प्लस एफ ए टू प्लस एफ ए थ्री। ये लीजिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस जी एम एम अपोन ए बाई टू का स्केयर माइनस जी एम एम अपोन ए बाई टू का स्केयर। यहां प्लस और यहां माइनस क्यों लिया स्टूडेंट, ये समझ गए ना, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और प्लस ये आ जाएगा 4gm स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे स्टूडेंट। तो एफ ए यानी ए पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4gm स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। ये लीजिए, अगर हम पॉइंट ए पर स्मॉल एम द्रव्यमान रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 4/3 जी एम स्केयर अपॉन ए स्केयर होगा स्टूडेंट। अब हम ओ पर अगर यानी कि इस त्रिभुज के केंद्र ओ पर अगर स्मॉल एम द्रव्यमान रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा वो ज्ञात करना है स्टूडेंट, कि ओ पर अगर हम स्मॉल एम द्रव्यमान रखते हैं, जैसे ये अपना ट्राइंगल था, यहां सब जगह स्मॉल एम द्रव्यमान है शीर्ष पर, यहां ओ पर अगर एक स्मॉल द्रव्यमान है तो इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर फोर्स लगाएगा कौन, ये तीनों द्रव्यमान इस पर फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो यहां पर एक सिमिलरिटी बन गई स्टूडेंट कि इन तीनों के मास सेम है, ये डिस्टेंस सेम होगी, ये एंगल 120 होंगे। तो सिमिलरिटी के अनुसार ओ पर एफ नेट जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि तीन फोर्स सिमिलरिटी में इस प्रकार से एक्ट हो रहे हैं, तो नेट फोर्स जो है एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ओ पर अगर हम स्मॉल द्रव्यमान को रखते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल जीरो होगा। अब अपना तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि किसी एक द्रव्यमान पर फोर्स ज्ञात करना है। जैसे यहां तीन द्रव्यमान रखे गए स्टूडेंट, इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर तीन द्रव्यमान है स्मॉल m और इसकी साइड a है। किसी एक द्रव्यमान चाहे वन या टू या थ्री पर हम फोर्स निकालते हैं, तो जैसे हम इस पर फोर्स निकाले एक नंबर पर, तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा, ये और ये लगाएंगे। इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नाम होगा एफ वन टू। समझ गए, दो के द्वारा एक पर लगने वाला बल। और तीन ने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये होगी एफ वन थ्री, तीन के द्वारा एक पर लगने वाला बल। समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 60। यहां एफ वन टू और एफ वन थ्री इक्वल होंगे और ये मान लिया मैंने एफ।
क्योंकि इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस सेम है, दोनों मास सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो वन पर जो नेट फोर्स है F1 कितना होगा स्टूडेंट, 2F cos θ/2। याद है ना कि दो फोर्स इस प्रकार से लग रहे हैं, इनके बीच एंगल थीटा है, तो F नेट कितना होगा स्टूडेंट, 2F cos θ/2। तो यहां पर F1, वन पर नेट फोर्स 2F, F कितना होगा स्टूडेंट, F12 कहो या F13 कहो, इसको हमने F कहा, कितना होगा, gm² / a² होगा, gmm/a², ये हो गया gm² / a² और cos(60/2) यानी cos(30). cos(30) की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट gm² / a² और cos(30) की वैल्यू हो गई √3/2, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, √3 gm² / a²। ये लीजिए, किसी एक द्रव्यमान चाहे वो वन है, चाहे वो टू है या फिर वो थ्री है, उन पर बल कितना लगेगा, √3 gm² / a² ये था क्वेश्चन दूसरा। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दो द्रव्यमान है स्टूडेंट अपने पास, दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे स्मॉल एम द्रव्यमान और स्मॉल एम द्रव्यमान, ये समान द्रव्यमान है और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और उस बल के प्रभाव में ये दोनों किसी वृत्त की परिधि पर वृत्तीय गति करते हैं स्टूडेंट। समझ गए ना कि दो द्रव्यमान स्मॉल एम है प्रत्येक, और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो उनकी वृत्तीय गति का वेग ज्ञात करना है स्टूडेंट। ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर। अब वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इनको चाहिए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमने पढ़ाई है स्टूडेंट, अभिकेंद्रीय बल की जो वैल्यू है वो है mv² / r। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर है, इसलिए हमें वेग चाहिए। तो वृत्ताकार पथ पर गति के लिए इसको जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए द्रव्यमान को, वो कौन देगा, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, gmm/ दोनों द्रव्यमानों के बीच की डिस्टेंस 2r² तो ये आ गया स्टूडेंट gm² / 4r². तो यहां हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि अभिकेंद्रीय बल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, तो mv² / R बराबर gm² / 4r², ये v हमें चाहिए स्टूडेंट, यहां वेग हमें निकालना है। तो वेग कैसे निकलेगा, m कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो v² बराबर आ जाएगा अपने पास gm/4r। तो v कितना आ जाएगा स्टूडेंट, √gm/4r। ये लीजिए, इस प्रकार से हम इनका वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके का और भी प्रश्न हो सकता है स्टूडेंट, जैसे यहां हमने दो द्रव्यमान लिए हैं और अगर तीन द्रव्यमान लेते हैं तो ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि तीन द्रव्यमान हैं जो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं। ये लीजिए स्टूडेंट, साइड ए है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ये जो सिस्टम है वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो यहां पर हमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी पूछ सकते हैं और इनका वेग भी पूछ सकते हैं। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर है स्टूडेंट, समझ गए। ये लीजिए, तो यहां पर भी वही होगा कि अभिकेंद्रीय बल चाहिए वृत्ताकार पथ में गति के लिए, और अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा, किसी एक द्रव्यमान पर जो
लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वही इस सिस्टम को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो किसी एक द्रव्यमान पर एफ जी निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। जैसे मैं इस द्रव्यमान पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहूं तो कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये एंगल होगा 60। तो एफ जी बराबर हम 2F cos 60 by 2 ऐसा लिख सकते हैं, अभी हमने किया था। तो एफ जी 2F की वैल्यू इसके या इसके द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा, जी एम स्केयर अपॉन ए स्केयर और cos of 30। तो एफ जी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, रूट थ्री जी एम स्केयर अपॉन ए स्केयर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया स्टूडेंट, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम को क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल एफ अभिकेंद्रीय बराबर मैं लिख रहा हूं एम वी स्केयर अपॉन आर। ये लीजिए, क्योंकि यहां पर इस वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो मैंने कितनी मानी है आर, पर इस r को स्मॉल a के रूप में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, r को स्मॉल a के रूप में लिखना है। तो ये ट्राइंगल ले रहा हूं स्टूडेंट मैं, ये वाला देखिए, इसमें ये जो साइड है वो a by 2 है, ये जो एंगल है वो 30 होगा। तो हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस 30 के लिए स्टूडेंट ये लंब है और ये बेस है और ये करण हो गया। तो यहां पर r चाहिए a के रूप में चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं cos 30, यानी cos लिया मैंने आधार बटा करण, आधार हो गया a by 2 और करण हो गया r। समझ गए ना स्टूडेंट, ताकि अपने पास स्मॉल r आ जाए, a के रूप में आ जाए। cos 30 की वैल्यू स्टूडेंट रूट थ्री बाई टू, ये हो गया a अपॉन 2R। तो अपने पास R की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a बाई रूट थ्री। ये लीजिए, अब इस अभिकेंद्रीय बल को और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर दीजिए स्टूडेंट। तो F अभिकेंद्रीय बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल कितना हो गया स्टूडेंट mv स्क्वायर अपॉन R, और R की वैल्यू कितनी है a बाई रूट थ्री, और ये हो गया रूट थ्री जी एम स्केयर अपोन ए स्केयर। एम कैंसिल होगा स्टूडेंट एक, तो अपने पास ये हो जाएगा रूट थ्री वी स्केयर अपोन ए बराबर रूट थ्री जी एम अपोन ए स्केयर। देखिए स्टूडेंट, एम मैंने दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, ए भी कैंसिल होगा रूट थ्री भी कैंसिल होगा, तो v स्केयर बराबर कितना बचा, v स्केयर बराबर जी एम अपॉन ए, देन v बराबर रूट जी एम अपॉन। तो इस सिस्टम का जो वेग है स्टूडेंट वो कितना जाएगा, v बराबर रूट जी एम अपॉन ए। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे एक प्रश्न हम और करते हैं कि अपने पास कोई कैपिटल एम द्रव्यमान है स्टूडेंट, इस कैपिटल एम द्रव्यमान के दो पार्ट किए, एक का नाम है स्मॉल एम और एक का नाम है एम माइनस स्मॉल एम, और इनको किसी निश्चित दूरी ए पर रख दिया। प्रश्न ये है स्टूडेंट कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम है, उसके लिए स्मॉल एम और कैपिटल एम का अनुपात या रेशियो ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आया ना स्टूडेंट, कैपिटल एम के दो पार्ट स्मॉल एम और एम माइनस एम किए, उनको किसी निश्चित दूरी ए पर रख दिया। अब हमें यह बताना है कि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिकतम हो, उसके लिए स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो अनुपात है वो कितना होगा। देखिए, इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी लिख रहा हूं मैं, वो कितना होगा स्टूडेंट, जी एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट।
मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स अधिकतम हो इसके लिए डी एफ जी अपॉन डी एम की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन होगी स्टूडेंट। मैक्सिमम फोर्स के लिए डी एफ अपॉन डी एम की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एम। एफ जी का मान रख रहा हूं स्टूडेंट मैं, एफ जी का मान होगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस एम स्केयर अपॉन ए स्केयर और इक्वल टू जीरो। इसको हल करना स्टूडेंट और स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। जी अपॉन ए स्केयर को मैंने बाहर कर दिया स्टूडेंट, तो डी अपॉन डी एम कितना आएगा स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस एम स्केयर और ये वैल्यू हो गई जीरो। इसको हल करते हैं स्टूडेंट तो ये कितना होगा देखते हैं। इसको हल किया जी अपॉन ए स्केयर ये बाहर है, इसको लिखा मैंने डी अपॉन डी एम 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 माइनस डी अपॉन डी एम एम स्केयर और इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्टूडेंट जी अपॉन ए स्केयर। इसको हल करना है, ये हो गया एम माइनस टू एम बराबर जीरो, यानी कि एम माइनस टू एम बराबर जीरो, यानी कि 2m बराबर कैपिटल M, यानी कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर 1/2, यानी कि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का जो रेशियो है वो 1/2 होगा। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, आगे के न्यूमेरिकल हम कल करते हैं। धन्यवाद।